पूछता हूँ बार बार कि मुसलमान खाली आपको ही वोट देने के लिए पैदा हुआ है क्या? आप भी कभी दिल बड़ा करके कह देते अपने यादव समाज के भाइयों से कि यार जमाली भाई हैं अच्छे आदमी, इनको दे दो, करते इनको वो मुसलमान चाहिए दरी बिछाने वाले। और जब इनके सारे मुसलमान फेल हो जाते हैं, सारी ताकत तो लगा ली थी आजमगढ़ में, क्यों नहीं रोक लिया? रोते क्या हैं? क्यों कहते हैं कि बढ़ गया? अरे रोक लेते ना, दम था। अभी भी मेरे कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बूथ पे तोरे लोगों वोट सब गड़बड़ करा देला, देखल जाइए। कौन सा ऐसा नेता है मुस्लिम समाज का भी समाजवादी में जो यहाँ नहीं आया है? तो आप नहीं रोक पाए। अब तो मान लीजिए कि जमाली आपके सब पे भारी है, मैं इनको हरा के दिखाऊंगा, ये सीट जीत के दिखाऊंगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा जनता का, मैं घर घर दौड़ूंगा, एक एक घर जमाली जाएगा लिस्ट बना के, और मैं ये कोशिश करूंगा कि एक भी घर इस पूरी लोकसभा में ना जुटे। राजू भाई, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। आजमगढ़ उपचुनाव हारने को लेकर जहाँ सपा गुड्डू जमाली को निशाने पर ले रही है, तो वहीं अब गुड्डू भी पूरी तरह सपा और सपा नेताओं पर फायर बैठे हैं। फिर चाहे वो बसपा को बी टीम कहने का मामला हो या फिर आजमगढ़ में मुस्लिम नेताओं की गुड्डू जमाली के खिलाफ फौज उतारने का मामला। इतना ही नहीं, गुड्डू जमाली ने तो सपा पर यहाँ तक कह डाला कि अगर आपको मुस्लिमों से प्यार है तो अपने समाज से क्यों नहीं कह देते कि गुड्डू की मदद कर देते। लेकिन आप एक बात ये देखिए कि आप 270,000 लगभग 66-67,000 वोट पाने वाले आदमी को आप कहते हैं कि नहीं साहब बी टीम है, डमी है। आप कहते हैं मुस्लिम समाज इनकी वजह से भटक गया। आप क्यों नहीं अपने समाज को कह देते कि ये भी मुसलमान? अगर आपको बहुत प्यार था आप कह देते जमाली साहब यार जीत रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, जिता दो इन्हीं को सब लोग मिलके। आपका क्या घट जाता? मैं एक सवाल उनसे पूछता हूँ, उनके नेतृत्व से पूछता हूँ, उनकी लीडरशिप से पूछता हूँ कि मैंने आपका आप मैं तो कहना नहीं चाहता, इन लोगों ने तो मुझे जलील किया, मैंने तो उन लोगों की मददगार रहा हूँ, मैं तो इन लोगों के लिए, मैंने पिछली बार अलायंस था, मैं रोज़ा रख के वोट मांगता था, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे जलील किया, आपने मुझे घर बुला के जलील किया। मैं क्या कहीं ब्रिटेन से आया हुआ आदमी हूँ? मैं क्या हूँ? आप बहुत अल्पसंख्यक का नारा लगाते, मैं अल्पसंख्यक नहीं हूँ। दरअसल है क्या इनकी पॉलिसी, कोई भी मुसलमान जिसके अंदर थोड़ी गैरत हो, जो करेज हो, जबान है मुंह में बोलने की हिम्मत रहता है, उसको ये पसंद नहीं करते। इनको वो मुसलमान चाहिए दरी बिछाने वाले। और जब इनके सारे मुसलमान फेल हो जाते हैं, सारी ताकत तो लगा ली थी आजमगढ़ में, क्यों नहीं रोक लिया? रोते क्या हैं? क्यों कहते हैं कि बढ़ गया? अरे रोक लेते ना, दम था। मैं तो अकेला तो आपके किले को ध्वस्त कर दिया। तो हिम्मत है तो एक बार कहो कि हाँ यार जमाली भाई मान गए आपको, तो अच्छा लगता सुनने में। लेकिन आप ऐसा हो गया वैसा हो गया, औरतों की तरह से रो रहे हैं आप। तो आपकी तो पूरी फौज लगी थी ना रोकने के लिए, कौन बचा आजम मुसलमान समाजवादी पार्टी में? और मुसलमान छोड़िए, पिछड़े अति पिछड़े सारे लोग लगे थे ना, पूरा दल लगा था पूरे देश में, जहाँ जहाँ समाजवादी के लोग थे लगे थे। क्यों नहीं बचा लिया जमाली? क्या कोई मैं तो कोई गुंडा माफिया भी नहीं हूँ कि कोई भय डर था मुझसे, हैं? उल्टा उन्हीं के लोग दादागिरी करते हैं। अभी भी मेरे कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बूथ पे तोरे लोगों ने वोट सब गड़बड़ करा देला, देखल जाइए। तो क्या देखेंगे? ये डराएं किसी और को जो डरता होगा। ऐसे लोगों को हम बहुत देखते देखते इस उम्र में आ गए हैं। मैं शरीफ जरूर हूँ, कमजोर नहीं हूँ, ये कत्तान कोई भरम ना पाले कि मैं आई एम ए वीक मैन। इतना ही नहीं, जब गुड्डू जमाली से ये सवाल पूछा गया कि क्या सपा से मुस्लिम वोट अब बिदक गया है, तो सुनिए शाह आलम गुड्डू जमाली ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि मुस्लिम वोट जो है जिस तरीके से उनके साथ नहीं रहा, बिदक गया या उनका साथ छोड़ दिया, इस तरीके के बयानबाजी के पीछे क्या कहना? अच्छा एक बात बताइए, मैं उनकी इसको बौखलाहट मानता हूँ। कैसे रहेगा? जहाँ जमाली है वहाँ आपके साथ कैसे रहेगा? पहले मैं हूँ कि वो हैं, इसी पर तय हो जाए। और तय कर दिया जनता ने, इनके पास भी तो मुस्लिम समाज के लोग थे ना, मैं अकेला तो था नहीं, रोक लेते लग करके सब, पूरी फौज तो थी। तो आपको इतना नहीं समझ में आता? और दूसरी बात मैं पूछता हूँ बार बार कि मुसलमान खाली आपको ही वोट देने के लिए पैदा हुआ है क्या? आप भी कभी दिल बड़ा करके कह देते अपने यादव समाज के भाइयों से कि यार जमाली भाई हैं अच्छे आदमी, इनको दे दो वोट। हम खाली, हमारा रिश्ता आपका ये है कि हम आपको दें, तब तो ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, बूथों पे इनके लोग, जहां मुस्लिम समाज का बूथ खुलता था और मैंने जहां मुझे डोमिनेटेड वोट मिलता था, इनको कम मिला 10% 20%, इनके लोग गलत ज़बानों का इस्तेमाल करते थे, गलत वर्ड यूज़ करते थे, मैं वो कहना नहीं चाहता, मुझे मालूम है।
हमारे समाज का खाली वोट लेने के लिए सारी रिश्तेदारी है, जरा दो भी तो भाई। ये कौन सी आपने पढ़ाई पढ़ी है किस स्कूल में कि लेना सीखा जहाँ देने का कोई वो नहीं है? और ख़ास तौर से उस मुसलमान को तो बिल्कुल वो हक़ नहीं है जिसके मुंह में ज़बान है, जो गैरत से जीना जानता है, बोलने की ताकत रखता है। हाँ, गूंगे बहरों का गुजारा है वहाँ पे, लेकिन सारे लोग मिलके तो औकात पता चल गई ना। मैंने तो किसी को नहीं रोका था ना मेरे भाई, आप लोगों ने पूरी मीडिया ने देखा है। कौन सा ऐसा नेता है मुस्लिम समाज का भी, समाजवादी में, जो यहाँ नहीं आया है? तो आप नहीं रोक पाए। अब तो मान लीजिए कि जमाली आपके सब पे भारी है। मैं तो नहीं कहता इसमें तकब्बुर झलकता है, घमंड, हमारे यहाँ कहते हैं घमंड अल्लाह को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जनता ने तो साबित किया ना इसको कि जहाँ जमाली आ जाएगा वहाँ हम सबको छोड़ देंगे। और आज आपको बताऊँ, ये मेरी वजह से नहीं, इनकी करतूतों की वजह। और आज आप देखिएगा पूरे प्रदेश में, फिर मेरी बात को राजू भाई अहम बात कहने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि पूरे समाज, आने वाला जो 24 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का पतन हो जाएगा उसमें, आप देख लेना। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि 2024 का दावा करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आने वाले वक्त में क्या कुछ नया राजनीतिक समीकरण बैठाते हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।